ये गुड्डे का भरोसा नहीं है, कभी भी उखड़ सकता। बहुत दिन से सता रहा इन्हें। आज साला अगर पैसे नहीं दिया तो सामान ही उठा लेंगे अपन इसका, क्या बोल रहे हो? लारी लेके आओ सामान उठाने के लिए। खामोश ठहर, सामान तेरी जीप पे डाल के ले जाना मेरे भाई। लाख है ये खरसदारों से बहुत तंग आ गया भाई। मैं बुड्ढा है रे घर पे। अरे लाख तोड़। नहीं आता भाई, खाली बड़े बड़े बातें करने आता, तू तोड़ रहे। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्द नाक लाया। डाकिया डाक लाया डाक। आली जनाब का हिसाब कितना है? 47,300 रुपए ब्याज मिला के। ये कैसा हिसाब है भाई? किसी तो लिया था ना, 10 तो दिया ना भाई। ये जो इंटरेस्ट होता नहीं, ये जरासीम के जैसा मल्टीप्लाई होते रहता। इसको रोकने के वास्ते हर थोड़े दिन को दवा डालते रहना पड़ता। इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा भाई? लेते वक्त नहीं सोचा कहाँ से लाऊंगा? मैं तो ये देख रहा हूँ उतने पैसों का तेरे घर में माल है या नहीं। अम्मी जी क्या हुआ बेटी शबनम? घर में घुस के आए तो आए, जनाने में भी घुस के आ जाते। तू अंदर के क्यों गया रे बहन? सामान का देख रहा था भाई। साले हमारे पैसे लेके हमारी बेइज्जती करते थे। बड़ों पे हाथ उठा दे, शर्म नहीं आती? सॉलिड भरी दिए, घर में मसाले हाथ से पीसते क्या? आई ने भाई कुछ रख दी। इतनी खूबसूरत बेटी के बाबा को खर्जदार नहीं होना चाहिए। आज से आपका खर्जा पूरा माफ। शबनम बेटी तुम अंदर जाओ। अंदर की को भी जा रही? गुल्लू भाई मैं अपनी बेटी की तरफ से माफी चाहता हूँ। अरे इसमें माफी की क्या बात है, लेन देन के मामले में अक्सर ऐसा होते रहता। वैसे भी मीठे रिश्तों की शुरुआत कड़वाहट से होती। ईमानदार बाप की जानदार बेटी, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कैसा दिख रहा मियां? भाई ऐसा दूल्हा दुनिया ने आज तक नहीं देखा होगा। ऐसा नहीं भाई, गोद में उठा लूं क्या भाई? पहले तू फ्रेम में आ। दूल्हा घोड़ी पे बैठता, ऊंट पे नहीं। अरे मियां मगरिब के बाद निकाह बोल के दूल्हे 11-11 बजे आ रहे शादी खानों में। अपन यहाँ मगरिब होते आ गए और खाजी साहब का जी पता नहीं है। अरे लो भाई खाजी साहब आ गए। सलाम अलैकुम। भाभी सलाम। वालेकुम सलाम। नाराजगी छोड़िए भाई साहब, तो उमरा गए हुए हैं, आप तो माँ हैं, आप ऐसा रुट के बैठे तो कैसा? किसी ना किसी से तो शादी करनी है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। छोड़िए ना भाभी ये नाराजगी, अब यहाँ तक आए निके में भी शरीक हो जाइए। चलिए चलिए आइए आइए। मुबारक भाई, मुबारक शादी, बहुत बहुत मुबारक भाई। बहुत खुशी हुई आपकी शादी देखकर, ऐसी सिंपल शादी बार बार देखने में नहीं मिलती, बहुत खुशी हुई। गॉड ब्लेस यू। अरे ऑटो, रुको रुको रुको, कहाँ जाना है साहब? रेलवे स्टेशन चलता भाई। हाँ बैठो। ओके थोड़ा जल्दी चलो भाई,
साहब एक बात बोलूं साहब? हाँ बोलो। आपकी हाइट बड़ी अच्छी है साहब, आप दिखने में पुलिस ऑफिसर दिख रहे हैं साहब। थैंक यू, मैं पुलिस वाला चू। मैं सही पहचाना नहीं साहब। और एक बात बोलूं साहब, मैं आपकी शक्ल हिंदी फिल्मों में आते देखो, मुकेश ऋषि उनके वैसे दिख रही साहब। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा साहब, आप ऑटो में कैसा? पुलिस का गाड़ी पंक्चर हो गया ना, मेरे को रेलवे स्टेशन पहुंचना है इसलिए ऑटो में बैठ गया, थोड़ा जल्दी होना यार। साहब आप बेफिक्र रहो साहब, जिस तरह फिल्मों में जो है ना पुलिस लेट पहुंचती ना, उस तरह यहाँ ट्रेना भी जो है ना लेट आते साहब। ठीक है बाप, तू आगे देख। साहब सॉरी साहब, आप कुछ बोर तो नहीं हो रहे ना साहब? भाई कुछ ज्यादा ही बोल दिया नहीं? लगता है फिल्म में बहुत देखते हो तुम। साहब आपको कैसा मालूम, हर जुम्मे को सेकंड शो नई फिल्म पक्की। कितनी क्लास पढ़े हो तुम? चारवीं क्लास फेल हूँ साहब। इतना काय को पढ़ लिया भाई तुम? इस वास्ते ऑटो चला रहा हूँ ना साहब। और एक एक पते की बात बोलूँ साहब? हाँ बोलो। साहब आपके चेहरे से आप एक ईमानदार पुलिस वाले दिखते। वो कैसे? साहब आपके चेहरे पे जो है ना वो चमक बता रही साहब, आप ईमानदार है सो। बस बस राइट ले, राइट राइट ले लो, बस 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 आ रोक तो बस। वाह कमाल का आदमी है भाई, बहुत कम बोलता तू। हाँ कितना पैसा हुआ? साहब आप, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा साहब। काहे को? इसी बहाने तो आप मेरे को याद रखेंगे ना साहब। तुम आदमी बड़े मजेदार हो यार। थैंक यू। सलाम साहब, फिर मुलाकात होगी। आहा, प्रैक्टिस के बाद हैदराबादी बिरयानी खाने का मजा ही और है मियां। निकालो भाई, रे ले रे, पानी का बोतल पकड़ ले रे, रे प्लेट आ ले रे, ले तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। अरे लड़ो रखो आराम से, भूख है बिरयानी, टेंशन रखो लो। अरे ले रे, ले जल्दी दाल, जल्दी दाल। यहाँ मैं पीसनी है। अरे लेग पीस दाल बाबा, मेरे को पीसनी है यहाँ पे। अरे ला रे मेरे को दाल। अरे दाल मियाँ जल्दी दाल। अरे मेरे को तो मिल गया बाबा के खाने। अरे घोटी आ गया। अरे इसमें दही की पैकेट निकाल रहे। अरे जरा नींबू दे। किधर फिरी हो रही? इधर एक पीस खा लेने दे मियाँ, भूख लग रही। एक पीस बोलकर पीछे सो जाना है क्या तुम्हारे को? उधर मंगते लाए मियाँ, खा ले दे भाई। उधर कुछ भी नहीं है, 7 महीने की अम्मा दिख रहे तुम, पीछ पे क्या भागेंगे? चलो रखो रखो रखो, निकलो भागो यहाँ से, चलो भागो, उठो उठो उठो, चलो क्या देख रहे, भागो जी। खाने वाले का नाम इसकी नियत मेरे खाने में भी पड़ गई। एक निवाला भी खाने नहीं दिया मेरे को। अब एक निवाला भी नहीं कर, अपन तो एक पैकेट लेके दबा के सूती है। ये कब करा रे तू? तबीज, जब आप लोग हाथ धोने गए नहीं, तबीज। इसीलिए बोलते हैं हैदराबादी बिरयानी आई, जब ये हाथा उठा नहीं दो ना, दबा के सूद देना। हमारे मोगैम्बो साहब जी जरा तशरीफ लाइए। हां देखो देखो, वाइट कमा है, देखो देखो या मैं भूख से तड़प रहा और खुद पेट भर खा लिया, हंडा फूटे होता, जाके निकाल वहां पे। अब हीरो बिरयानी लेके आ रहे तू? सही पट्टा है तू मेरा। अरे रुको रे भाई, भाई ये बिरयानी आपकी नहीं होती भाई, गुल्लू भाई मंगाए से बिरयानी है भाई ये। मैं जब से आप लोगों को ही ढूंढ रहा हूँ, आपका बात एक कप पैसे दे बोल के देख रहा हूँ। अरे अरे हाथा क्या डाल रहे, सब लोगों को भूख लग रही ना। अरे अरे इस्माइल भाई जल्दी निकालो पैसे, जल्दी निकालो। मैं जाके शागो से बिरयानी, नहारी तहारी, पाए, कुर्बानी का मीठा, डबल का मीठा, कद्दू की खीर, हलीम वलीम सब लेके आता हूँ। क्या देख रहे तुम लोग? पैसे पूछो इस्माइल भाई से, क्या देख रहे इस्माइल भाई? मेरी पीस हो ना रे, तुम लोगों को पीस की तरह चबा चबा के खा ले दो तुम लोगों को। क्या इस्माइल भाई, तुम्हारे पुराने पट्टो को दबा दबा के अलग तक खिलाए, हमारे को भुक्का भगाते क्या? एकदम सही बोल रहा भाई। हाँ रे
उन लोगों को मैं छोड़ के सुकून में हूँ बोले तो तुम लोग फकीरों के जैसा पीछा पड़े रे। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని సరికొత్త సినిమా వీడియోల కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఈ గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. మేము అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి.